नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन दिनों देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने में लगे हुए हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल रहे, जो बीते दिनों इंदौर आए और यहाँ उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। उनकी इस रैली में लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसा कर दिया कि अब उनका विरोध हो रहा है। दरअसल इस दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ता एक घोड़े को पार्टी के झंडे के रंग में लेकर रैली में पहुंच गए। जैसे इस बात की जानकारी पीपल्स फॉर एनिमल के कार्यकर्ताओं को लगी, तो इन्होंने संयोगितागंज पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। आपको बता दें कि पीपल्स फॉर एनिमल भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद मेनका गांधी का एनजीओ है, जो पशु के क्रूरता के खिलाफ काम करता है। मिली जानकारी के तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस यात्रा में पूर्व पार्षद रामदास गर्ग कथित तौर पर एक घोड़ा लेकर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, घोड़े को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे के रंगों में नारंगी और हरे रंग में रंगा हुआ था। इस दौरान घोड़े की गर्दन पर भी पार्टी का झंडा बंधा हुआ था। यह सब देखते हुए मेनका गांधी के एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स ने इस घोड़े के साथ क्रूरता होना बताया है। अब एनजीओ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इंदौर के संयोगितागंज पुलिस थाने में शिकायत की है। मिली जानकारी के तहत कार्यकर्ताओं ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज करने का आवेदन दिया है। आपको बता दें कि एनजीओ के कार्यकर्ता इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराने वाले हैं। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।